बैक टू सिंपली जेएस। अभी तक अपन इस चैनल पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ चुके हैं। अभी अपन फुल स्टैक डेवलपर कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर कंटिन्यूसली अपन चीज़ें बना रहे हैं। अगर मैं प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाऊँ तो ऑलरेडी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, CSS, HTML और मर्न स्टैक डेवलपमेंट और भी फुल स्टैक डेवलपर की। अभी अपन प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके अंदर हर एक चीज़ आने वाली है। अभी HTML के बाद CSS शुरू हुआ है, CSS के बाद फिर JavaScript आएगा, फिर और अलग अलग चीज़ें आती जाएंगी। आज अपन पढ़ने वाले हैं CSS बॉक्स मॉडल और मार्जिन पैडिंग के बारे में। तो बॉक्स मॉडल की अगर बात करें तो अपन W3 स्कूल पे जाएंगे, वहाँ पे जाके अपन सबसे पहले बॉक्स मॉडल खोलेंगे। तो मार्जिन पैडिंग समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा बॉक्स मॉडल होता क्या है, किस तरीके से काम करेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरी जो CSS के अंदर मैंने जो डेवलपर टूल वाली जो वीडियो बनाई है, क्रोम डेवलपर टूल नाम से जो वीडियो बनाई है, वो वाली अगर वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लेना, क्योंकि आज उस वीडियो का अपन यूज करने वाले हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट, इस तरीके से इस ऑर्डर में जो अपना जो पूरा कंटेंट है वो शो होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपना जो भी एलिमेंट है, जितने भी अपने पास एलिमेंट होते हैं HTML के अंदर, हर एक एलिमेंट को अगर जब भी आप बॉर्डर असाइन करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि उसकी बॉर्डर की एक पर्टिकुलर हाइट है, उस पर्टिकुलर विड्थ है, लेकिन वो पर्टिकुलर जो हाइट और विड्थ है वो हमेशा चेंजेस होती रहती है, वो हमेशा सेट होती रहती है। लेकिन वो सेट किसके ऊपर होती है, किस चीज़ के ऊपर, वो मेन तरीके से डिपेंड होती है। तो वो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है कंटेंट, यानी कि उस कंटेंट की एक्चुअल विड्थ एंड हाइट क्या है जो आप दे रहे हैं कंटेंट। जैसे H1 के अंदर कोई टैग के अंदर कोई एलिमेंट लोगो, मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझाता जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नई फाइल MP के नाम से मार्जिन पैडिंग .html नाम से क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक बेसिक टेम्पलेट इसको बन, और यहाँ पे एक H1 समथिंग बॉक्स मॉडल, और यहाँ पे स्टाइल टैग दे देता हूँ H1 को टारगेट, और यहाँ पे बॉर्डर इसमें सॉलिड रेड 2 पिक्सल कर दिया मैंने, बस इतना किया, और मैं इसको कर देता हूँ गोलाइ। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे इस H1 टैग की कुछ एक पर्टिकुलर हाइट है, कुछ पर्टिकुलर विड्थ है, पहले से सेट है, इसमें अपन ने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इस कंटेंट की जो पर्टिकुलर हाइट और विड्थ है वो एक पहले से सेट है। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है पैडिंग, बॉर्डर के पहले आती है, ये जो अपन बॉर्डर लगाया ना, इस बॉर्डर के पहले आती है पैडिंग, जो कि किसके अंदर विड्थ, उसकी जो हाइट एंड विड्थ है उसके अंदर कंसिडर की जाती है, और जो उसी उसके बाद आती है मार्जिन। अभी मार्जिन किस जगह पे आती है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो आपको जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, जो समथिंग बॉक्स मॉडल के अंदर जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, और जो अपना मेन पेज है, जो अपना पूरा पेज है, जो अपना ये वाला जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, इस पेज की जो मेन सबसे ऊपर वो है, और जो बॉर्डर है इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, कि छोटी सी इसमें डिस्टेंस आपको नज़र आ रही होगी सबसे ऊपर और यहाँ पे बीच में, तो वो क्या होती है, वो होती है मार्जिन। तो मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट, इन चार चीज़ों से मिलके अपनी जो है किसी भी बॉर्डर की, अपनी किसी भी बोल सकते हैं एलिमेंट की अपनी विड्थ और हाइट अपनी तैयार होती है। जैसे इस H1 एलिमेंट है, इस H1 एलिमेंट की कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, इसकी पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से है, और उसके एक्चुअल कंटेंट के ऊपर। जैसे अगर मैं यहाँ पे पैडिंग को बढ़ा देता हूँ, आपने देखा यहाँ पे कि कंटेंट के बाद पैडिंग आता है, तो यहाँ पे पैडिंग में अगर मैं दे दूँ यहाँ पे समथिंग लाइक 20 पिक्सल, तो क्या होगा, ये टॉप लेफ्ट बॉटम राइट हर जगह से 20 पिक्सल ले लेगा, और आप देखो कि जो कंटेंट यानी कि जो अपना जो बॉर्डर है, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट के जो विड्थ एंड हाइट है वो ऑटोमेटिक बढ़ गया, मतलब हाइट बढ़ गया। विड्थ तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, विड्थ भी वैसे आनी चाहिए समझ में, लेकिन विड्थ और हाइट भी आपकी बढ़ चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं इस बॉर्डर की, बॉर्डर को आपने देख ही लिया कि किस तरीके से यहाँ पे 2 पिक्सल का अपन दे रहे हैं, 2 की जगह अगर मैं 20 दे दूँ, अगर मैंने यहाँ पे 20 दे दिया, इसके बाद आप यहाँ पे देखो इसकी ऑटोमेटिक विड्थ बढ़ चुकी है, इस कंटेंट की विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ चुकी है। और मार्जिन की बात करें तो मार्जिन आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इस एलिमेंट के बाहर कितना, बाहर एलिमेंट के बाहर जो है उससे उसको कितना स्पेस लेना है उसके लिए लिखा जाता है। मैं उसको लगा के दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ कि मार्जिन, और यहाँ पे मैंने दिया 30 पिक्सल, ठीक है।
जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया तो यहाँ पे देखो चारों तरफ से वो इस तरीके से आ गया। और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी फिलहाल के लिए समझाऊंगा, लेकिन मार्जिन टॉप अभी दे देता हूँ। केवल मार्जिन टॉप अकेला दिया तो यहाँ पे देखो इस तरीके से डिस्टेंस में आ गया। 30 से भी समझ में नहीं आया होगा, 300 करता हूँ मैं। 300 किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो अपना एलिमेंट है वो ऊपर से कितना स्पेस ले लिया उसने, ऊपर से कितना ज़्यादा स्पेस ले लिया। तो क्या कर रहा है, अब जो एलिमेंट है वो एलिमेंट अपने बाहर से, अब खुद के बाहर से कितना स्पेस लेता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए जिम्मेदार है मार्जिन। ठीक है, ये चीज़ तो आपने पकड़ ली होगी। अब मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, इसको पूरी स्टाइलिंग को हटा देता हूँ। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसी चीज़ को मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा। अब मैं करने वाला हूँ क्रोम डेवलपर टूल का यूज। ये जो अपना है इसके ऊपर मैं अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं करूँगा बॉडी के अंदर जाऊँगा। बॉडी के अंदर जाने के बाद जो H1 है इसको मैं टारगेट करूँगा। अब इस एलिमेंट को टारगेट करने के बाद यहाँ पे आप स्टाइलिंग कर सकते हैं देखने के लिए। जब से मैं क्या करूँगा, जब से मैं यहाँ पे बॉर्डर और बॉर्डर पे यहाँ पे दे दूँगा 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का मैंने दे दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर दबाया तो आप यहाँ पे देखो बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू आ गया है। अब CSS बॉक्स मॉडल तो अपन ने समझ लिया, अब अपन समझते हैं मार्जिन और पैडिंग के बारे में। सबसे पहले मार्जिन, मार्जिन को अगर मैं आपको समझाऊँ तो मार्जिन अपन दे सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। सबसे पहले मार्जिन देने का जो तरीका होता है वो आप समझो। मार्जिन का जो पहला है, सबसे पहला जो है वो क्या बताता है, वो ऑर्डर बताता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई ना कहीं ऑर्डर लिखा होगा। देखो ये लिखा है मार्जिन टॉप होता है, मार्जिन राइट होता है, मार्जिन बॉटम होता है, मार्जिन लेफ्ट होता है। यानी कि मार्जिन आप चार तरीके से दे सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर चार दिशाएँ होती हैं, उसकी ऊपर की, नीचे की, अगल की, बगल की। तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट चार होता है। और अगर आप डायरेक्ट अगर पास करते हैं तो उसमें बताने का तरीका, जैसे इस तरीके से अगर आप पास करेंगे तो वो किस तरीके से अप्लाई होगी, उसकी जो पहली, जो आप पहली बार में लिखेंगे, पहले नंबर पर लिखेंगे वो जाएगी टॉप पे, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर लिखेंगे वो जाएगी राइट पे, जो तीसरे नंबर पर लिखेंगे वो जाएगी बॉटम पे, जो चौथे नंबर पर लिखेंगे वो जाएगी अपनी लेफ्ट पे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वापस से। यहाँ पे अगर अपन मार्जिन दें, यहाँ पे आके इसके अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ मार्जिन। तो अब मार्जिन को ध्यान से देखना, जो पहले नंबर की होगी वो जाएगी टॉप पे, तो यहाँ पे टॉप पे। दूसरे नंबर की होगी वो होगी राइट पे जाएगी। अब राइट पे मैं कितनी दे दूँगा, 90 पिक्सल। तो क्या होगा, राइट से उसने 90 पिक्सल ले लिया। ध्यान से देखते चलो, बॉटम से, बॉटम का यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे 200 पिक्सल भी दे दूँ बॉटम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बॉटम से ऑलरेडी उसने अपनी मार्जिन जो स्पेसिंग है उसको मिल चुकी है। इसके बाद अपन बात करते हैं बॉटम के बाद लेफ्ट से। लेफ्ट से अगर मैं यहाँ पे 500 पिक्सल देता हूँ तो आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो मार्जिन क्या कर रहा है, मार्जिन की जो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए मार्जिन पैडिंग आती सबको है, लेकिन अप्लाई को नहीं कर पाता है। रियलिटी है ये बात, मार्जिन पैडिंग आती सबको, अगर मैं एंटर कर दूंगा यहाँ पे वो इसी जगह पे आके सेट हो जाएगा। सबको मार्जिन आती है, सबको पैडिंग आती है कि बॉक्स मॉडल किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले कंटेंट, फिर पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन, ये सबको मालूम है। उसी तरीके से विड्थ तैयार होती है, हाइट तैयार होती है, ये भी सबको मालूम है। लेकिन कहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना ये नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम, सबसे बड़ा रीज़न है कि उसको ऑर्डर अपन भूल जाते हैं सब। अगर अपन चार प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपने पहली प्रॉपर्टी टॉप, दूसरी राइट पे जाएगी, तीसरी बॉटम पे जाएगी, चौथी लेफ्ट पे जाएगी। उसी की जगह अगर तीन प्रॉपर्टी दे रहे हैं, देखना अभी अगर अपन तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी टॉप पे जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी राइट और लेफ्ट दोनों पे जाएगी, तीसरी प्रॉपर्टी बॉटम पे जाएगी। अब यहाँ पे मैं अगर जैसे 500 वाली जो प्रॉपर्टी है इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे Ctrl Z इसको थोड़ा सा, इसको कंट्रोल इसमें नहीं हो सकता, मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसको हटा के मार्जिन सबसे पहले, सबसे पहले वाले नंबर की प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, टॉप पे, तो मैंने यहाँ पे दिया टॉप पे। दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी अब जाएगी राइट और लेफ्ट दोनों साइड जाएगी। ध्यान से सुनना, दोनों साइड जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि अपन तीन प्रॉपर्टी दे रहे हैं, इस बार चार प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। तो मैंने यहाँ पे दिया 50 पिक्सल, तो वो राइट और लेफ्ट दोनों पे गई। उसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी बॉटम पे जाएगी, मैंने उसको दे दिया 80 पिक्सल। तो इंटर दबाया तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या हो रहा है कि अगर तीन प्रॉपर्टी देंगे तो जो दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है वो राइट और बॉटम, सॉरी राइट और लेफ्ट दोनों के लिए जिम्मेदार होती है। उसका टॉप और बॉटम से कोई लेना देना नहीं रहता। अब दो प्रॉपर्टी देंगे तब का और देख लेते हैं। जब अपन दो प्रॉपर्टी देते हैं तब क्या होता है, जो टॉप और बॉटम लेता है पहली प्रॉपर्टी, राइट एंड लेफ्ट लेता है अपना दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। इस ऑर्डर को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं इस वेबसाइट को आपको मैंने बताया है।
अगर मैं यहाँ पे 30 पिक्सल दे दूँ और यहाँ पे 50 पिक्सल दे दूँ, केवल अगर दो प्रॉपर्टी दूंगा तो क्या होगा, टॉप और बॉटम से प्रॉपर्टी मिल गई 30 30, और 50 पिक्सल दिया तो उसने क्या किया, राइट और लेफ्ट से उसने प्रॉपर्टी ले ली 50 50। तो इस तरीके से क्या होगा, अपन ने अपने बॉक्स के ऊपर मार्जिन लगाना सीख लिया, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर को देना, वरना बहुत ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा। बिल्कुल सेम चीज़ अप्लाई होती है पैडिंग के अंदर। अब मैं यहाँ पे पैडिंग के बारे में आपको समझा देता हूँ। पैडिंग आपने दिया, यहाँ पे पैडिंग आपने दिया, और पैडिंग को सबसे पहले तो आपको मालूम है कि पैडिंग कहाँ पे अप्लाई होती है। पैडिंग होती है बॉर्डर के अंदर अंदर अप्लाई, मार्जिन होती है बॉर्डर के बाहर बाहर अप्लाई, बस इतना अंतर होता है। एक अब इस बॉर्डर के अंदर जैसे अपन ने सबसे पहली प्रॉपर्टी दी, वो कहाँ जाएगी, टॉप पे। तो मैंने टॉप पे दी यहाँ पे, मान के चलिए 30 पिक्सल, तो ऊपर से उसने क्या किया, अपने आप को नीचे खिसका लिया। दूसरी प्रॉपर्टी होती है राइट से। राइट से अगर अपन को बिल्कुल अभी इस वाले को अगर समझना है तो अपन को इतने देनी पड़ेगी, मुझे 900 पिक्सल देनी पड़ेगी, तब मुझे समझ में आएगा कि इसने राइट से वो है डिस्टेंस लिया। अगर मैं इसको इस तरीके से 100 पिक्सल देता हूँ तो आप प्रॉपर तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे कि कितनी वो कहाँ पे चेंज हो रहा है, खुद से किस तरीके से वो अपने आप को चेंज कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा मैं इसको 200 पिक्सल दे देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाए कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो राइट पर जा रही है। अब टॉप राइट, अब बॉटम से मैं इसको कितनी प्रॉपर्टी दे दूंगा, बॉटम से दे दूंगा मैं इसको 70 पिक्सल। तो 70 पिक्सल मैंने जैसे ही दिया, तो आप अगर टेक्स्ट को ध्यान से देखेंगे तो वो अपने आप थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इसको बॉटम से 70 पिक्सल मिल चुकी है। तो टॉप हो गया, राइट हो गया, बॉटम हो गया, अब अपन को लेफ्ट से देनी है। तो लेफ्ट से भी मैं दे देता हूँ 80 पिक्सल। तो यहाँ से 80 पिक्सल उसको, अगर मैं इसको 800 कर दूंगा तो आपको मालूम है कि यहाँ पर खिसक के आ जाएगा, क्योंकि अपना जो लेफ्ट से अपन ने क्या कर दिया, इसको स्पेसिंग दे रहे हैं आखिरी वाली प्रॉपर्टी के अंदर। एंटर दबाऊंगा, अपना जो इस तरीके से दिखाई देगा। तो पैडिंग अपन ने दे दिया कि सबसे पहली प्रॉपर्टी टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लॉफ्ट लेफ्ट। सेम चीज़ अपन जो मार्जिन का था वो इसके अंदर भी है। अगर अपन 4 की जगह अगर अपन 3 देंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, टॉप पे, टॉप पे। दूसरी वाली प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, राइट और लेफ्ट दोनों पे, राइट और लेफ्ट दोनों पे। और तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, केवल बॉटम पे। तो यहाँ पे अपन ने दिया बॉटम पे, ठीक है, इंटर दबाया, तो इस तरीके से वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अपना दो के लिए रहता है कि अगर अपन दो देंगे तो पहली प्रॉपर्टी जाएगी अपनी टॉप और बॉटम पे, और दूसरी प्रॉपर्टी जाएगी राइट और लेफ्ट पे। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, दो प्रॉपर्टी के साथ भी पैडिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर जिसने नहीं देगा तो समझ लो गड़बड़ हो गया। अब अपन यहाँ से अपन चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके यहाँ पे चाहें तो इसके H1 टैग के अंदर अपन इसको ले जाके पेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये बहुत, अगर अपन क्रोम डेवलपर टूल और अपना अगर अपन इसको बंद भी कर दें और इसको रीलोड भी कर दें तब भी अपना इसी तरीके की जो स्टाइलिंग है वो रहेगी। तो क्रोम डेवलपर टूल अपना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है कि अगर आपको पहले स्टाइलिंग देखनी है कि आपको किस तरीके से जो आप CSS लगा रहे हैं उस CSS का क्या रिजल्ट आएगा, अगर आपको ये चेक करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से आके चेक कर लो। चेक करने के बाद अगर आपको सही लगती है वो CSS तो इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपने मेन फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर लो, ठीक है। तो CSS मार्जिन पैडिंग अपन ने समझ लिया, यहाँ पे बॉक्स मॉडल के बारे में भी समझ लिया। अब बॉक्स मॉडल की एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे H1 को अगर थोड़ी देर की जो स्टाइलिंग है इसकी अगर कमेंट कर दूँ, कमेंट के बारे में अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अभी आप समझ लो इस तरीके से कमेंट लगाया जाता है। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो यहाँ पे देखो जो समथिंग बॉक्स मॉडल है वो थोड़ा सा नीचे लग के आ रहा है, मतलब यहाँ पे ऊपर से इसको थोड़ी सी स्पेसिंग मिल रही है। तो बॉक्स मॉडल की खुद की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी अगर मैं उसको H1 के ऊपर लगाऊँ तो वो प्रॉपर्टी कहती है कि बॉक्स साइजिंग आप मुझे डिस्पाइन कर सकते हो, कि बॉक्स साइजिंग के अंदर आप बॉर्डर बॉक्स दे सकते हो। जैसे ही आप बॉर्डर बॉक्स दोगे, और बॉर्डर बॉक्स देने से क्या होता है कि आपका जो क्या नाम है, इसका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट एक पर्टिकुलर बॉर्डर बॉक्स में आ जाता है। अब आप यहाँ से आप क्या कर दो, मार्जिन दे दो जीरो, और जो इसकी जो पैडिंग है वो भी आप जीरो कर दोगे, तो होगा क्या होगा, ये कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी देखना अपना समथिंग बॉक्स मॉडल जो पहले बिल्कुल नीचे आ रहा था, थोड़ा सा नीचे आ रहा था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, खिसक के ऊपर पहुंच गया और बिल्कुल स्क्रीन से जाके चिपक गया। अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ तो आप देखो फिर से वो दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बॉक्स साइजिंग का यूज करके अपन मार्जिन पैडिंग अगर जीरो कर देते हैं तो वो पूरी तरीके से उसके जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो ये कभी कभी नहीं, हर एक जब भी नई वेबसाइट बनती है हर एक वेबसाइट के अंदर इतना तो आपको देखने को मिलेगा, कि H1 के साथ तो नहीं, वो हमेशा आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा स्टार के साथ।
कि हर किसी डेवलपर को करना ही पड़ता है कि बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, ये चीज़ तो उसको लगानी पड़ती है। और अगर कभी अगर उसको कोई फॉन्ट, नया फॉन्ट यूज करना होगा, तो वो नया फॉन्ट को लेने के लिए बाहर से कोई URL या कुछ इम्पोर्ट टैग उन सब का यूज करके वो कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर अपन ने CSS, बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग के बारे में समझा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्रॉपर्टी और किसी नए CSS के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।